गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण पांच में पार्ट एक फिनिश करे हो विषय हिंदी। यातायात चित्रपट એમાં પાર્ટ એક આપણે ફિનિશ કર્યો હતો। હવે આપણે ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી હિન્દી આ તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો લાવવાની છે, તો એમાં જે પ્રમાણે છે પ્રશ્નોના જવાબ એ પ્રમાણે હું લઉં છું। પ્રશ્ન એક, પ્રશ્નોના જવાબ, તો હું અહીંયા જવાબ લખું છું અને બોલે જાઉં છું, એ પ્રમાણે તમારે આઈડિયલ એટલે સ્વાધ્યાય પોથીમાં ખોલવાના છે। चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए, तो मैं उसका आंसर यहाँ पे लिखती हूँ, तो आप अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखना। चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल आदि, ऐसे आपको पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगी, आपको पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। दूसरा, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों के नाम की सूची बनाइए, तो कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, बारहमासी रातरानी और सूरजमुखी। आदि ऐसे आपको लिखना है। फिर तीसरा, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए, तो चित्र में जो यातायात के साधन है उसके नाम लिखने हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल। चौथा प्रश्न, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है, तो उसमें आएगा विद्यार्थी मित्रों तागा, बैलगाड़ी, देता है। पांच, बस चलाने वाले
वाले को क्या कहते हैं? तो बस चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। तो ऐसे आपको हिंदी में लिखना है। प्रश्न 3, अब प्रश्न 3 के आंसर में यहाँ पे लिखूंगी क्या है। पहला प्रश्न, आपको कौन कौन से फूल देख रहे हैं? तो उसमें आएगा विद्यार्थी मित्रों गुलाब, कमल, मोगरा, कनेर, लिली, सूरजमुखी, गुलाबी आदि रंगों के होते हैं। यहाँ फुल स्टॉप करना है आपको। फिर तीसरा, हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? तो कौन आएगा विद्यार्थी मित्रों? सूरजमुखी। सूरजमुखी હું ડાયરેક્ટ આન્સર લખું છું, તમારે એનો પૂરા વાક્યમાં જવાબ લખવાનો છે। આપ કોણ કોણ સે યાતાયાત કે સાધન મે બેઠના પસંદ કરતે હે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ આન્સર કા જવાબ આપ અપને તરીકે સે લિખ સકતે હે। ફિર ભી મે યહાં પે લિખતી હું, બેલગાડી, ઊંટગાડી, और हवाई जहाज में बैठना पसंद करते हैं। आपको पूरे वाक्य में लिखना है। फिर 5, आपको फूल क्यों पसंद है? क्योंकि आपको पूरे वाक्य में लिखना है। प्रश्न क्या है? आपको फूल क्यों पसंद है? मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होता है। क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होता है, वह हमेशा सुगंध देता है। वह हमेशा सुगंध देता है। फिर 6, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? माला बनाने में उपयोग होता है।
तीसरा है सजावट के रूप में भी उसका उपयोग होता है। क्या है विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखने। आपको चित्र देखना है, कितने चित्र है? 6, और चित्र को देख के कहानी लिखनी है। कौन सी कहानी है? वह चरवा और बाघ की कहानी है। तो मैं यहाँ पे आपको बोल के सुनाती हूँ, चरवा और बाघ की कहानी कहती हूँ, तो आप सुनना और फिर उसमें आपको लिखना है। करणपुर नामक गांव में एक चरवा रहता था। क्या था विद्यार्थी मित्रों? करणपुर नाम का गांव था, उसमें एक चरवा रहता था। वह भेड़ बकरिया पर अपना गुजारा करता था। क्या करता था? वह भेड़ बकरिया चराता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरिया लेकर जंगल में गया। क्या किया उसने? हर रोज की तरह एक दिन वहां अपनी भेड़ बकरिया लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरिया चरने में लगी थी। भेड़ बकरिया कब कर रही थी? चरने लगी थी। अचानक चरवा को मजाक करने की सूझी, और जो चरवा था उसको अचानक मजाक करने की सूझी। वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया बाघ आया। और चरवा ने क्या किया? उसको मजाक सूझी तो उसने वैसा किया कि वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया बाघ आया। चरवा की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। जब चरवा चिल्लाया बाघ आया बाघ आया, तब चरवा की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग दौड़ आए। चरवा हंसने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। चरवा क्या कहने लगा? फिर आसपास के लोग अपने उसके पास गए, तब चरवा कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवा की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। फिर क्या कहा लोगों ने चरवा की बात सुनी और उसको कोसते हुए लोग अपने खेतों में वापस चले गए। फिर क्या हुआ देखते हैं। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। क्या हुआ फिर विद्यार्थी मित्र? कुछ दिन हो गए, वो रोज जाता था भेड़ बकरिया चराने के लिए। फिर कुछ दिन हो गए, कुछ दिनों के बाद सचमुच का बाघ आया। चरवा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया बाघ आया। चरवा ने क्या किया? जब बाघ आया तब वो सचमुच का चिल्लाने लगा कि बाघ आया बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवा को मजाक करने की आदत है। लोगों ने क्या सोचा के पहले चरवा ने मजाक की थी तो इस बार चरवा मजाक कर रहा होगा, इसीलिए लोगों को ऐसा लगा कि चरवा मजाक कर रहा है। लेकिन वह मजाक कर रहा है, वह यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं गया। सबको लगा चरवा मजाक कर रहा है, यह सोचकर कोई उसके पास गया नहीं। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। बाघ ने क्या किया? फिर एक भेड़ लेकर चला गया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा, उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। फिर क्या हुआ? वो रोने लगा। फिर वो सोचने लगा, ये मेरी पूरी आदत है, इसीलिए मुझे उसका नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। फिर उसको क्या हुआ? वो उसकी जो बुरी आदत थी उसके लिए उसको पछताना पड़ा। फिर विद्यार्थी मित्र पेज नंबर 10, आज हमने पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और अब है पेज नंबर 10। तो विद्यार्थी मित्रों,
तो विद्यार्थी मित्रों आज का वीडियो यहीं तक था। आज हमने पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 कितने तक का किया। तो आपको काले स्वाध्याय पुस्तक में पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 तक, यहाँ तक आपको लिखना है। मैंने यहाँ प्रश्नों के आंसर लिखे हैं और ये चरवाहा और बाघ की कहानी थी, तो वह मैंने आपको बोल के सुनाई है और आपको यहाँ पे लिखनी है। पेज नंबर 10 से कल शुरू करेंगे। बाय बाय विद्यार्थी मित्रों।